वेलकम टू हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी। सब्सक्राइब कीजिए हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ऑल जो बेल है उसको क्लिक कीजिए। जो भी नया नया लेटेस्ट वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सारा वीडियो देख पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक सिंबल। हम लोग पहले तो बहुत सारा ड्राइंग्स देखे हैं, वाल्व्स देखे हैं, पर कुछ दोस्तों का कमेंट्स था कि सर हमको थोड़ा हाइड्रोलिक सिंबल के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो आज मैं एक मतलब हाइड्रोलिक सिंबल का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग 30 सिंबल पहले देखेंगे, उसके बाद और भी देखेंगे, बट इनिशियली हम लोग 30 देखेंगे। उसमें थोड़ा मतलब कुछ कुछ सिंबल है आप मतलब जो कि हम लोग जो रेक्सरोथ के पावर पैक और हॉगलैंड्स के पावर पैक, जो आपका पार्कर का पावर पैक, जो इटन का पावर पैक, उन सब से लिए हैं। क्योंकि जो भी मतलब हाइड्रोलिक का ड्राइंग बनाते हैं, जो भी कंपनी हाइड्रोलिक का ड्राइंग बनाता है, उनका जो डिजाइन इंजीनियर है, जो कि मतलब ड्राफ्टिंग इंजीनियर है, जो कि ऑटोकैड में आपका ड्राइंग बनाते हैं, काटिया में, प्रोई में, जिसमें भी आपका ड्राइंग बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। तो उसी को बेस करके मैं आपके पास पूरा एग्जैक्ट ड्राइंग से आपका जो सिंबल है उसको उठा के लेके आया हूँ, देख लीजिए आज। तो हम लोग चालू करते हैं शुरू से। जो एक नंबर में आपका मेन लाइन है, मान लीजिए कोई ड्राइंग हम लोग बना रहे हैं, कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको मेन लाइन मतलब कोई प्रेशर लाइन है, कोई ड्रेन लाइन है, हम लोग ये मेन लाइन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हो गया आपका पायलट लाइन। पायलट लाइन मतलब कंट्रोल करने के लिए, मतलब आपका एक रिलीफ वाल्व है, उसमें एक मेन लाइन कनेक्ट होता है और पायलट लाइन एक जाके उस जो उसका जो स्पूल है उसको ऑपरेट करता है। तो ये डैश लाइन जो है ये पायलट लाइन है। और एक सेंटर लाइन होता है जो कि हम लोग बहुत सारा मैनिफोल्ड, मतलब मान लीजिए कोई मैनिफोल्ड ब्लॉक है उसमें बहुत सारा वाल्व यूज़ किए हैं, मान लीजिए डीसी वाल्व यूज़ किए हैं, चेक वाल्व यूज़ किए हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ किए हैं, थ्रोटल कम चेक किए हैं, जो भी किए हैं, उसको हम लोग मान लीजिए दो से ज़्यादा वाल्व है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर लाइन रहता है उसका जो डिजाइनर है ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका मैनिफोल्ड ब्लॉक का हो गया। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए एक लाइन गया है जो कि थोड़ा कर्व होकर फिर जाके कनेक्ट हुआ है, दोनों एंड में आपको पॉइंट मार्क मिलेगा। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक होस का सिंबल। ठीक है, आपको कुछ जगह मिलेगा ऐसे लाइन आके और ऐसे हुआ है, और कहीं रिजर्वर ऐसे मिलेगा। तो ये आपका ये जो रहेगा ये रिजर्वर, तो हर लाइन बहुत सारा बहुत बड़ा ड्राइंग होगा जिसमें बहुत सारा सिलेंडर, बहुत सारा मोटर, बहुत दो चार पंप, उसमें तो हर लाइन को लाके रिजर्वर में कनेक्ट करना उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए इस टाइप का एक दे के छोड़ देते हैं, मतलब कहीं कोने में इधर से मतलब कहीं लाइन से ऐसे सिंबल करके छोड़ दिए, तो आप सोच लेंगे ये जाके रिजर्वर में मिला है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे पंप, जो 6 नंबर का सिंबल है पंप है। एक दो पंप इधर ड्राइंग किया गया है, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, मतलब ये दोनों का पंप का सिंबल है जो कि आपको एक ट्रायंगल में मिलेगा, जो कि ट्रायंगल जो बाहर के तरफ हुआ होगा और कम्प्लीटली फिल होगा। तो इसको आप लोग सोच लीजिएगा पंप, और पंप के अंदर अगर ऐसे लाइनिंग है एरो मार्क के साथ तो आप ये सोच लीजिएगा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, जो ऑयल है उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा रिजर्वर से उठा, जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो 7 नंबर में देख लेंगे, ये आपको ऐसे ही ड्राइंग में आपको सिंबल मिलेगा, ये कपलिंग, उसके साथ ये आपको पंप। तो इधर क्या कहीं एम लिखा होगा, तो आप सोच लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है मोटर, और कहीं ई लिखा होगा तो आप सोच लीजिए इंजन। ओके दोस्तों, उसके बाद देख लेंगे ये जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन एक स्प्रिंग का सिंबल है, मतलब कहीं कहीं हर मैक्सिमम जगह आप भाल देखेंगे तो इधर देखिए इस टाइप का ऐसे दिया होगा। तो ये ब्लाइंडली आप सोच लीजिएगा ये स्प्रिंग है, ये मान लीजिए इधर एक लीवर दे दिया और इसको पुश करने के लिए दिया है, तो ये स्प्रिंग का ऑपोजिट में ये वाल्व को पुश करेगा। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग, ये जिगजैग लाइन है, इधर एक लाइन दे दिया। ये लाइन का मतलब है कहीं स्क्रू होगा, नहीं तो हाइड्रोलिक जो आपका एलएन बोल्ट होता है छोटा वाला वो होगा, तो उससे आप इसको क्या करेंगे, आप एलएन की से प्रेशर एडजस्ट करते हैं। ये जो स्प्रिंग का
टेंशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 10 नंबर जो कपलिंग बेलो हाउसिंग, बेलो हाउसिंग मतलब आप कहीं कहीं देखेंगे ये रिजर्वर में ऐसे लटका होगा, मतलब रिजर्वर के अंदर आपका कपलिंग। वैसे आपका पंप मान लीजिए यहाँ से रिजर्वर से जो ऑयल लेवल है, जो ऑयल लेवल है यहाँ से सॉक करके यहाँ से वो डिलीवरी दे रहा है, और ये जो है ये जो पंप है ये कपलिंग होके इधर आपका आपका मोटर मिलेगा, एम लिखा हुआ ऐसे होता है। तो ये जो आपको मिलेगा बेलो हाउसिंग, तो ये कहीं कहीं आप देखेंगे वो मतलब रिजर्वर का नीचे है, और कहीं कहीं देखेंगे आप रिजर्वर का ऊपर है। ये रिजर्वर का ऊपर भी ऐसे रहता है, जैसे मोटर है तो ऐसे करके दे देगा और इधर कपलिंग दे देगा तो इधर पंप का सिंबल दे देगा। ओके दोस्तों, तो ये मोटर है, ये वेलो हाउसिंग है, ये आपका पंप है, यहाँ से सिस्टम ऊपर गया। ये छोटा छोटा सिंबल है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है ड्राइंग टू ड्राइंग, ये वेरीज करता है, बट आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली ऐसे मतलब जो भी डिज़ाइनर आता है थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है उसके हिसाब से ये जो है वो वेरीज करता है। उस दोस्तों जो 11 नंबर सिंबल है वो है प्रेशर गज का, आपको एक छोटा सर्कल मिलेगा उसमें एक एरो मार्क होगा और उसके नीचे एक लाइनिंग होगा। ये दोस्तों इसका हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया एयर ब्रीदर। तो आपको एक दोस्तों आपको एक डायमंड शेप में मिलेगा मिलेगा, उसके बीच में एक लाइनिंग होगा और ऐसे, तो ये आपका एयर ब्रीदर। तो ये क्या करता है, आपका रिजर्वर में माउंटिंग होता है, तो आपको जब पंप से ऑयल डिलीवरी होता है रिटर्न होता है तो उसके अंदर जो एयर रहता है उसको इन आउट करने के लिए ये काम करता है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद देखेंगे आपका जो लेवल इंडिकेटर, ये दो है, ये भी एक लेवल इंडिकेटर है, ये भी एक लेवल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, ये कहीं शो किया जाता है, ये किसी ड्राइंग में आपको मिलेगा, तो आप इसमें सोच लीजिएगा ये आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर है, रिजर्वर का ऑयल जो है उसको देखने के लिए ये ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है। ये हो गया आपका बॉल वाल इसी टाइप का आपको मिलेगा, आपको ऐसे बॉल वाल मिलेगा जो कि गेट वाल्व है मतलब बंद आपको मिलेगा। ये आपको अगर वाइड मिलेगा तो आप देख लीजिएगा ड्राइंग में, किसी किसी ड्राइंग में देता है आपका ये डार्क नहीं किया होता है, ऐसे मतलब ब्लैंक छोड़ा जाता है, तो उसको आप जान लीजिएगा ये ओपन रखने के लिए बोला गया है, जिसमें आपको डार्क मिलेगा, ऐसे आपको डार्क मिलेगा आप सोच लीजिएगा वो क्लोज मतलब ड्राइंग में भी रिप्रेजेंट किया है करता है, मतलब ये लाइन अगर ये वाल्व अगर वाइड है तो आपको ओपन है, ये अगर डार्क है तो आपको समझ लीजिएगा ये क्लोज है। ओके दोस्तों, ये हीट एक्सचेंजर है, तो ये आपको ऐसे मिलेगा एक दोस्तों, ये एक आपको डायमंड शेप में मिलेगा, दो एरो मार्क देके ऊपर से एक लाइन और नीचे एक लाइन, और उसके बगल में एक फैन टाइप का ब्लेड दिया होगा उसमें एम लिखा होगा, तो इसको देख के आप जान लीजिएगा ये क्या है, रिटर्न लाइन में ज़्यादातर रहता है, तो ये हीट एक्सचेंजर है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया स्प्रिंग लोडेड चेक वाल्व, मतलब आपको एक चेक वाल्व तो ऐसे ही है, ये चेक वाल्व है, इसमें अगर जिगजैग लाइन दे दिया तो आप तो पहले से बताएं ये हो गया आपका स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग लोड में क्लोज करके रखा है। अगर इसमें स्प्रिंग का टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं लिखा जाता है ये 5 बार जो इसको ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके बाहर निकलने के लिए, मतलब जो प्रेशर है आपका मोर देन 5 बार होगा तो ये स्प्रिंग दबेगा और ये बॉल पीछे जाएगा, यहाँ से ऑयल जो है वो पास करेगा। ओके दोस्त, ये हो गया आपका नॉर्मल चेक वाल्व जो कि फ्री फ्लो है, मतलब यहाँ से अगर ऑयल फ्लो होगा पॉपेट है वो सीट का ऊपर बैठा होगा वो सीट शिफ्ट हो जाएगा और नॉर्मली यहीं से ऑयल निकल जाएगा। ये आपका हो गया पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, मतलब ये पायलट लाइन है, ये जाएगा ये बॉल को लिफ्ट करेगा तब जाके आपका जो ऑयल है वो पास करेगा। ये क्या है, ये पायलट लाइन जो है वो रिटर्न की तरफ है, मतलब ये पायलट लाइन ओपन करने के लिए यूज़ है, ये पायलट लाइन क्लोज करने के लिए यूज़ है। ओके दोस्तों, उसके बाद हो गया 20 नंबर जो है वो मिनीमैक्स कपलिंग,
मतलब कहीं कहीं आप सिस्टम में देखे होंगे ऐसे लाइन है तो ऐसे वो रिप्रेजेंट किया होगा। तो आप यहाँ कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा यहाँ से हम लोग ये मिनिमैक्स होस लगा के और जो मतलब एक्सटर्नल जो आपका पास प्रेशर गज होगा उसको ऐड करके यहाँ से हम लाइन का प्रेशर चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो 21 नंबर जो सिंबल है, देखिए एक रेक्टेंगल ब्लॉक के अंदर तीन जो पार्ट है उसको दिया है। एक दिया है FCI मतलब फिल्टर क्लॉगिंग इंडिकेटर, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिल्टर के ऊपर लगता है। मान लीजिए हम लोग का फिल्टर क्लॉग्ड हो जाता है उस कंडीशन में ये यहाँ से ऑयल जाने लगता है, जिसके वजह से ये यहाँ इधर प्रेशर एक्ट करके तो इंडिकेट करता है कि आपका नहीं तो इलेक्ट्रिक मोटर को भी ट्रिप कर सकता है। अगर हम लोग इसको लॉजिक में डाले होंगे कि ये अगर इंडिकेटर एक्ट होगा तो हम लोग का जो पंप है कुछ सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर है कुछ सेकंड्स के बाद बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक चेक वाल्व है, फिल्टर है और FCI जो फिल्टर क्लॉगिंग इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 22 नंबर जो है टेम्परेचर स्विच है। तो टेम्परेचर का सिंबल इधर दिया है, ये टेम्परेचर स्विच है। अगर हम लोग का ऑयल सेट, हम लोग एक ऑयल का जो टेम्परेचर है सेट करके रखेंगे, मान लीजिए हम लोग ऑयल का टेम्परेचर 70 में सेट किए हैं, 75 में सेट किए हैं, अगर हम लोग का ऑयल का टेम्परेचर 75 से ज़्यादा जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो टेम्परेचर स्विच है वो रिजर्वर के ऊपर माउंटिंग है, ठीक है। अगर टेम्परेचर दोस्तों, अगर हम लोग का टेम्परेचर 75 में हम लोग सेट किए हैं, अगर उससे ज़्यादा जाता है उस कंडीशन में ये स्विच एक्ट होगा और हम लोग का जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ट्रिप कर देगा। ओके दोस्तों, उसके बाद देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर जो सिंबल है आपका, एक मतलब ये क्या है, ये आपका रिजर्वर में हैंगिंग होके रहेगा, मतलब ये आपका मैग्नेट पीसेस है जो मैग्नेटिक टैंक क्लीनर। तो ये क्या है, मैग्नेट है, जो भी आपका फेरस पार्टिकल रहेगा ये इसको खींच लेगा और इसको आगे सिस्टम में जाने नहीं देगा। ओके दोस्तों, अभी देखेंगे हम लोग 24 नंबर। जो 24 नंबर है आपका फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच का काम क्या है, आपका जो ऑयल लेवल है, ऑयल लेवल हम लोग को, ये तो जो ऑयल लेवल हम लोग इंडिकेटर देखे थे वो खाली हमको विजुअली दिखेगा, ये हम लोग फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम लोग का ऑयल लेवल जो है वो लो है। बट किसी किसी सिस्टम में, बहुत सेंसिटिव सिस्टम होता है, उसमें क्या करता है इस टाइप का फ्लोट स्विच देता है, वो भी एक मतलब हैंगिंग होके रिजर्व में रहता है। जब आप लोग का ऑयल जो है, मान लीजिए हम लोग ऑयल को हम लोग 75 में मेंटेन किए हैं कि 80 में सॉरी 75 में और 65 में मेंटेन किए हैं, तो हम लोग उसको जो लेवल है हम लोग उसको 40 में सेट किए हैं, मतलब 40% अगर ऑयल रहेगा तो हम लोग का इंडिकेशन आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर ये 40% इंडिकेशन आता है, मतलब लेवल डाउन होता है, मान लीजिए लेवल जो फ्लोट स्विच है ये यहाँ से 40% मतलब रिजर्वर का 40% आ गया, इधर से हम लोग लिमिट सेट करके रखे हैं, जब ये 40% तक आ जाए, 40% लेस हो जाएगा, ये आप लोग का जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ट्रिप कर देगा। तो हम लोग कभी कभी ये बार बार अगर ट्रिप होता है तो हम लोग का इमरजेंसी है तो हम लोग इसको बाईपास करके कुछ टाइम तक चला सकते हैं, उसके बाद रिजर्वर में ऑयल, अगर इमरजेंसी है उस टाइम चला सकते हैं, उसके बाद फिर से रिजर्वर में ऑयल टॉपअप कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम लोग का 25 नंबर जो मतलब सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर स्विच। इसमें एक ड्रेन लाइन है, एक प्रेशर लाइन है और एक प्रेशर मतलब एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, अगर हम लोग का इधर प्रेशर हाई होता है, मान लीजिए हम लोग का एक वाल्व से मतलब हम लोग का 65 में एक हम लोग रिलीफ वाल्व को सेट किए हैं और ये प्रेशर स्विच को सेट किए हैं, अगर ये 65 से रीच होता है, 65 से रीच होता है, मान लीजिए ये NO है तो ये NC हो जाएगा, ठीक है। NO मतलब ये देखिए ओपन है, NO है तो ये NC हो जाएगा, और ये NC होने के साथ हम लोग लॉजिक में एक सेट किया होगा, मतलब ये NC हो गया, हम लोग का हाइड्रोलिक का जो पंप है उसका मोटर ट्रिप कर दीजिए। तो इसी टाइप का हम लोग हर लोकेशन में हम लोग का जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट में हम लोग ये प्रेशर स्विच को यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग का ये इतना प्रेशर हो गया इसको बंद कर दो, अगर ये प्रेशर 40 बार से डाउन जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक मोटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग ये प्रेशर स्विच को यूज़ करते हैं। जो 26 नंबर जो सिंबल है ये हो गया आपका जो गेज आइसोलेटर। गेज आइसोलेटर क्या है,
हम लोग अगर कोई प्रेशर गैस का हम लोग कंटिन्यूसली लाइन में रखेंगे तो धीरे धीरे वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग उसको भी कंटिन्यूसली हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यूसली मतलब देखते नहीं तो उसको हम लोग लाइन में रखने का क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग का ये गेज आइसोलेटर दिया रहता है। तो गेज आइसोलेटर है, हम लोग जब उसको देखेंगे उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इधर पुशर दिया है तो ये क्या करेगा, इधर से हम लोग स्प्रिंग का ऑपोजिट में पुश करेंगे तो ये जो दो ब्लॉक में डिवाइड है, दो पोजीशन में डिवाइड है, ये एक और ये एक, ये हम लोग पुश करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन है इधर आ जाएगा, आने के साथ साथ ये जो है वो पी है, मतलब पंप के लाइन साथ कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये जो एरो है ये इसके साथ गेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ का लाइन का प्रेशर जो है वो प्रेशर गेज में शो करेगा, तो हम लोग इसको देख पाएंगे। और हम लोग इसको थोड़ा घुमा के एंटी क्लॉक में घुमा के उसको रिलीज़ कर देंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक इधर आया था ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ का जो प्रेशर गेज का ऑयल है वो आ जाएगा टैंक में। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं गेज आइसोलेटर। 27 नंबर सिंबल है वो है सिंगल एक्टिंग सिंगल रॉड। इसमें दो टाइप का होता है, एक क्या होता है जो मतलब सेल्फ जो उसका ऊपर वेट है उसी लोड में वो नीचे डाउन होता है, और क्या है और एक होता है स्प्रिंग रिटर्न, मतलब इसमें एक स्प्रिंग दे देगा तो इस स्प्रिंग में वो रिटर्न होगा। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका सिंगल एक्टिंग सिंगल रॉड। ये जो 28 नंबर डबल एक्टिंग सिंगल रॉड, मतलब हम लोग इधर से ऑयल देंगे तो वो फॉरवर्ड होगा, मतलब सिलेंडर पिस्टन का रॉड जो है वो बाहर निकलेगा, जो ये साइड से ऑयल देंगे तो पिस्टन का रॉड जो है अंदर घुसेगा, इसे ए पोर्ट और बी पोर्ट। ओके दोस्तों, ये डबल एक्टिंग सिंगल रॉड, मतलब ये सिंगल रॉड है। उसी तरह हम लोग का 29 नंबर देखिए, 29 नंबर जो है वो टेलीस्कोपिक टाइप्स, ये है टेलीस्कोपिक साइड वो सिलेंडर है जो माइनिंग सेक्टर्स में यूज़ होता है, जो भी ट्रक्स उसमें क्या करता है, उसका जो पीछे का बॉक्स रहेगा जो कैरेज करता है मटेरियल, तो उसमें ये सिलेंडर लगा रहता है। ये तो हम लोग का ऑयल इधर देंगे तो ये धीरे 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 हर सिलेंडर मतलब स्टेप वाइज जैसे हम लोग का रेडियो का एरियल देखें उसी टाइप का वो सिलेंडर ओपन हो जाता है, और उसका जो कैरेज यूनिट का जो बॉक्स है वो उसका लोड पर ये क्लोज होता है, जिस रास्ते पर अंदर जाता है उसी रास्ते से वो बाहर आ जाता है। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका टेलीस्कोपिक टाइप सिलेंडर। और जो लास्ट है आपका 30 नंबर है वो है डबल एक्टिंग डबल रॉड। मान लीजिए हम लोग का दोनों साइड में कहीं कहीं अप्रोच होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री में कहीं कहीं यूज होता है डबल रॉड, तो उसी टाइप में क्या है, ये एक उसी टाइप का एक सिलेंडर है जिसमें आपका सर्विस पोर्ट ए भी है और सर्विस पोर्ट बी भी है, और दोनों एंड में दो रॉड निकला है। इधर से ऑयल जाएगा तो ये सिलेंडर का जो रॉड है, ये सिलेंडर का जो ये साइड वाला रॉड है वो अंदर घुसेगा, ये साइड वाला रॉड जो है बाहर निकलेगा। जब ये साइड वाला रॉड अंदर आएगा तो ये साइड वाला रॉड जो बाहर आएगा। ओके दोस्तों, ये तो था 30 नंबर ऑफ सिंबल्स। आगे हम लोग देखेंगे और भी बहुत क्रिटिकल, जैसे कॉम्पनसेटेड ब्लॉक, जो प्रेशर कॉम्पनसेटेड, फ्लो कॉम्पनसेटेड, बहुत सारा हम लोग क्रिटिकल जो सिंबल्स है उसको देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।